आज हमारे सामने घड़ी है रॉयल इनफील्ड की 650 और शॉर्ट गन। इसके बारे में आज डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके कितने प्राइस की आपको उसमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे भाई। आज हमारे सामने आप जो बाइक देख रहे हैं ना, ये बाइक है अपनी शॉर्ट गन रॉयल इनफील्ड की शॉर्ट गन 650 और 650 सीसी का इसमें इंजन देखने को लो मिल जाता है आपको। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, कुछ ही दिन हुए हैं इसको लॉन्च हुए और इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको कीज़ अगर मैं बात करूं तो की कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी, कोई भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। फ्रंट में जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इस प्रकार के दो सॉकर्स आपको ऑफर करे जाते हैं। स्पोक लाई के साथ ये आती है और इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। 18 इंच का पूरा टायर सेक्शन इसका देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट सेक्शन की अगर मैं शुरुआत करूँ तो कुछ इस प्रकार की आपको LED में ही पूरी लाइट वगैरह देखने को मिलेगी, लो बीम हाई बीम और आपको इंडिकेटर वगैरह सारे ही जो इसके देखने के लिए राउंड शेप में देखने के लिए मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच में जो है आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है पूरी राउंड शेप में और राउंड राउंड करके आपको सारी चीज़ देखने मिलेगी। नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह और इस तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। साइड की बात करूँ तो इस प्रकार का आपको जो है पूरा देखने के लिए मिलता है 6 स्पीड की गेयरबॉक्स और इस प्रकार के आपको पैडल मिल जाते हैं पूरी रबड़ में। दो जो है स्टैंड मिलते हैं इसमें आपको और पीछे भी आपको जो पैडल इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है। 650 650 ट्विन शॉटगन लिखा हुआ मिल जाता है। टंकी पे भी आपको कुछ इस प्रकार के दो कलर यूज करे जाते हैं। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करता हूँ 13 लीटर का आपको जो है इसका फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है और फुल्ली मेटल में देखने के लिए आपको ये मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो इस प्रकार का आपको पूरा बैक प्रोफाइल देखने को मिलेगा। लैंप में आपको जो इसके इंडिकेटर में आपको दोनों ही बल्ब देखने के लिए मिल जाते हैं और साइलेंसर कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है दोनों ही साइड। आवाज़ बताऊँ नो डाउट कोई भी कमी नहीं है इसके आवाज़ में और इस प्रकार के जो है दो इसमें आपको इंडिकेटर और बीच में वो राउंड शेप में आपको टेल लैंप देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह नीचे इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। साइड ऊपर सीट पे आपको दो ग्रेव हैंडल मिल जाते हैं और सीट इसकी आप अनलॉक करके सीट को हटा भी सकते हैं। और अगर टायर साइज़ की बात करता हूँ बैक टायर की तो इस प्रकार के आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। सीएट का टायर इसमें जो है यूज़ करा गया है। टायर अगर मैं साइज़ की बताऊँ पूरा तो आपको 150/70R17 का मतलब 17 इंच का पूरा टायर सेक्शन इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार के आपको दो सॉकर देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे भी आपको एक पैडल यहाँ ब्रेक मिल जाता है पर आपको कोई भी किक इसमें देखने के लिए नहीं मिलती। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग ग्लॉस ब्लैक में इंजन कवर देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार का बड़ा सा कंसोल देखने को मिलेगा इंजन का। इंजन कूलिंग सिस्टम भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, उसके नीचे आपको ऑयल फिल्टर देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार का आपको सेंसर का देखने के लिए मिलेगा बट को बहुत गर्म होते सेंटर कंसोल की तो सेंटर कंसोल में कुछ इस प्रकार का आपको मिरर देखने को मिलेगा राउंड शेप में और इस प्रकार के कुछ आपको ब्रेक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है सेल्फ मिल जाता है उसके नीचे आपको चारों इंडिकेटर जलाने के लिए यहाँ पे आपको बटन देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की, कुछ इस प्रकार का आपको सेंटर कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाती है और यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है, ऑडोमीटर भी एनालॉग और ट्रिप मीटर आपको डिजिटल और फ्यूल गेज आपको इसमें देखने के लिए मिलता है और टैकोमीटर वो भी आपको डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है शो करेगा। अच्छा इसका कंट्रोल कहाँ से होगा, इसके अगर आपको कंट्रोल करना है सेटिंग्स कुछ ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो इसका बटन जो है यहाँ पर दिया गया है। आप चलते चलते बाइक में भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ट्रिप वगैरह लगाना, अपना माइलेज वगैरह चेक करना, सारी चीज़ जो है यहाँ से आप जो इसका सेट कर सकते हो यहाँ से। तो इस प्रकार का आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। और हम अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं और उसके नीचे जो है आपको दोनों इंडिकेटर जलाने के लिए मिल जाता है। हॉर्न की अगर साउंड की बात करें कुछ इस प्रकार का साउंड देखने के लिए मिलता है। और अब करते हैं स्टार्ट और साइलेंसर की साउंड की बात करें आपको उसकी करते हैं ना इसके प्राइस की। तो जो रॉयल इनफील्ड शॉर्ट गन 650 स्ट्रीट मेटल ग्रे का जो प्राइस रहने वाला है एक्स शोरूम प्राइस की मैं बताऊंगा 3,59,434 रुपये रहने वाला है जो आपको 648 सीसी की देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो आपको है शॉर्ट गन 650 प्लाज्मा ब्लू एंड ड्रिल ग्रीन कलर देखने के लिए मिलेगा
उसमें जो है आपको 370,138 रुपये की पड़ने वाली है। तीसरा जो इसका सबसे महंगा वाला जो वेरिएंट है वो है इसका रॉयल एनफील्ड शॉर्ट गन 650 स्टेंसिल वाइट आपको कलर जो देखने के लिए मिलेगा वो आपको 373,000 रुपये का देखने के लिए मिलता है। और यही थी हमारी वीडियो। बाइक जो है बहुत ही अच्छी है और बाइक नो डाउट इसके जो साउंड है और जो इसकी क्वालिटी है पूरा ही मेटल इसमें आपको यूज़ करा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको कोई भी हल्की पतली चीज़ इसमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो वीडियो देख लें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।